Good morning students, how are you all? We will continue with our solution of chapter number 3, synthetic fiber and plastics. Question number 6, answer the following in one sentence. What are called man-made fiber? Synthetic fibers are called man-made fibers, right? What is synthetic fiber called? They are called as man-made fibers. What is polymer? When a large number of small units combine to form a single unit, then the large unit is called polymer. Polymer kise kehte hain? Jo large, jo small unit hota hai, use hum combine karke जो लार्ज यूनिट बनाते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के 4 एग्जांपल क्या है? रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन एंड सॉरी ट्राइलीन एंड एक्रिलिक आर सिंथेटिक फाइबर. अगेन आई रिपीट, रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन and acrylic are synthetic fiber. How is rayon obtained? Rayon is obtained by chemical treatment of wood pulp. Wood pulp ko chemical treatment dete hain, use hum rayon banate hain, right? Question number 5, what is a polyester? Polyester is a synthetic fiber made up of the repeating units of ester. ओके, पॉलिएस्टर कैसे बनता है? ये सिंथेटिक फाइबर है और वो जो ईस्टर का जो रिपीटेड यूनिट जॉइन करके हम पॉलिएस्टर बनाते हैं. व्हाट आर प्लास्टिक्स? अ प्लास्टिक आर पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर बट दे कैन नॉट बी मोल्डेड, राइट? इट इज अ पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर, जो हमने पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा. अब प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर्स बट दे कैन बी मोल्डेड, यानी वो पॉलीमर जैसा ही फाइबर होता है लेकिन हम उसे मोल्ड कर सकते हैं, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक. वाई आर प्लास्टिक नॉन इको फ्रेंडली? प्लास्टिक क्यों इको फ्रेंडली नहीं है? प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड टेक सेवरल ईयर्स टू डीके, यानी ये जो प्लास्टिक होता है उसे डीकम्पोज होने में बहुत सारे ईयर्स लग सकते हैं. सो दे आर नॉट इको फ्रेंडली, राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग इन 3 to 4 सेंटेंस. एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. प्लास्टिक कंटेनर को क्यों फेवर किया जाता है स्टोरिंग करने के लिए? प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ फूड, राइट? जब भी हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था तब उसमें क्या पढ़ा था? प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग, राइट? सो प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड. उसको क्यों प्रेफर किया जाता है स्टोरिंग फूड के लिए? क्योंकि वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट जल्दी नहीं होता है. दे आर नॉट करोड इजीली, मींस दे डू नॉट गेट करोड इजीली, यानी उसे जंग जल्दी नहीं लगती है. जैसे कि फूड आइटम्स में हम कुछ खट्टे जूस भी भर सकते हैं, राइट? सॉल्टी चीज़ भी भर सकते हैं. तो अगर हम मेटल की चीज़ लेंगे स्टोर करने के लिए तो वो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा और प्लास्टिक किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता है इजीली. सो दिस हेल्प्स टू स्टोर फूड आइटम्स. दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड ड्यूरेबल बिकॉज द प्लास्टिक्स आर वेरी लाइट वेट. हमने जब भी देखा होगा कि मेटल के जो बॉक्सेस होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, उसके सामने प्लास्टिक का वेट नहीं होता है. देन वो स्ट्रांग होते हैं, यानी मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं. दे आर चीपर एज कम्पेयर टू मेटल कंटेनर्स एंड ईजी टू
यूज़, यानी प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं वो एकदम यूज़ करने के लिए इजी होते हैं और वो चीप होते हैं यूज़ करने के लिए। तो आज के ज़माने में हम क्या देखते हैं कि हम कैसे पैसे बचा सकते हैं। सो प्लास्टिक कंटेनर्स आर चीपर एंड इट इज़ हेल्पिंग टू सेव अवर मनी। राइना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड अप फ्रॉम सिंथेटिक मेटल मटीरियल? एडवाइज राना गिविंग योर रीजन। राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट, उसको एक शर्ट लेनी है और सीजन कौन सी चल रही है? समर। समर शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड ऑफ सिंथेटिक, यानी उसे समर में कॉटन शर्ट लेना है या तो फिर सिंथेटिक, हमें उसे एडवाइस देनी है। कॉटन कैन एब्जॉर्ब वाटर, हमने देखा था कॉटन एब्जॉर्ब कर सकता है। आप थोड़ा कॉटन लेके पानी में डालोगे तो वो पानी सोख सकता है, राइट? व्हाइल सिंथेटिक मटीरियल कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर, जो सिंथेटिक मटीरियल होता है वो वाटर एब्जॉर्ब जल्दी नहीं कर पाता है। कॉटन हैज़ पोर्स दैट लेट द एयर इन एंड आउट, कॉटन का जो मटीरियल होता है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसे क्या होता है जो हवाई रहती है वो हमारे बॉडी से अंदर बाहर आ जा सकती है, राइट? ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक मटीरियल आर वेरी टाइटली वोवन, क्योंकि ये जो सिंथेटिक मटीरियल होता है वो पॉलीमर होता है और वो बहुत ही टाइटली वीव किया जाता है। एंड हैंस दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास इन एंड आउट, यानी सिंथेटिक फाइबर में एयर अंदर से बाहर नहीं आ सकती है और जा भी नहीं सकती है। आपने कभी देखा होगा कि हम कुछ सिंथेटिक मटीरियल पहनेंगे तो खुद अजीब सी स्मेल आती है हमारे बॉडी से, वाई? दैट इज़ बिकॉज ऑफ एयर विच गोज इन एंड आउट इन अवर बॉडी स्टॉप्स बिकॉज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो कॉटन फाइबर इज मोर प्रेफरेबल इन समर कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। हमें ये देखना है कि हमें प्लास्टिक का यूज़ बन सके उतना कम कर देना है, राइट? नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑन द पॉइंट। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, हमने देखा था कि वो जल्दी बोलते ना डीकम्पोज नहीं होता है, राइट? सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज, इट कॉजेज एनवायरमेंट पोल्यूशन। यानी क्या होगा अगर हम प्लास्टिक यूज़ करते भी हैं, राइट? वो डीकम्पोज तो होता नहीं है, तो जो चीज़ जल्दी डीकम्पोज नहीं होगी तो वो एक जगह पे जमा हो जाएगी, राइट? सो उसका एक लेयर बन जाएगा, उसकी एक परत हो जाएगी, उससे क्या होगा एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा, और वो पोल्यूशन पानी में भी हो सकता है, सॉइल में हो सकता है और एयर में भी हो सकता है, राइट? बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज़ क्वाइट स्लो, यानी ये जो बर्निंग प्रोसेस होता है सिंथेटिक मटीरियल में वो भी बहुत स्लो होता है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम इनटू द एटमॉस्फियर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होता है, जैसे ही हम ये सब सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक कुछ बर्न करेंगे वो स्लोली बाय स्लोली बर्न होते हैं और उसमें से जो फ्यूम्स आते हैं वो पॉइजनस गैस, बहुत ही डर्टी स्मेल होती है और वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। देयरफॉर यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, यही रीजन से हमें प्लास्टिक का यूज़ कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। यानी ये जो सिंथेटिक फाइबर जो बन रहे हैं उसे कंजर्वेशन यानी मीन्स हम फॉरेस्ट को बचा पा रहे हैं, ये हमें डिस्कस करना है। अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या है, जो स्मॉल चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स यानी जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसे जॉइन करके उसे बनाया जाता है। ईच यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, जो यूनिट होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स एंड फॉर्म प्लांट्स, यानी ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं एंड फ्रॉम प्लांट्स यानी प्लांट से बनते हैं। दस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर वी डू नॉट नीड टू कट ट्रीज और यूज प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग फ्रॉम एनिमल्स, यानी ये जो सिंथेटिक फाइबर बनते हैं उसके लिए हमें प्लांट्स को कट नहीं करना है। दस
मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो एनिमल स्किन से बनते हैं, राइट? एनिमल प्रोडक्ट्स यानी हमारे जो ये फाइबर्स होते हैं हमें दो तरीके से मिलते हैं, एक प्लांट से मिलते हैं और एक एनिमल से। प्लांट से हमें कॉटन और जूट मिलते हैं, तो हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं यानी सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं तो उसे हम रिप्लेस करके कॉटन और जूट का यूज़ कम कर सकते हैं ताकि हमें उसे काटना ना पड़े। नेक्स्ट एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स में क्या है, वुल है और सिल्क है। तो जिसके लिए हम एनिमल्स को पेंस देते हैं उसके उसे हम यूटिलाइज करते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर रिप्लेस करके हम वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को भी बचा सकते हैं और प्लांट्स को भी बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर। हमें एग्जाम्पल देना है कि प्लास्टिक करोसिव नहीं है। प्लास्टिक आर नॉन करोसिव इन नेचर, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। सबसे पहली चीज़, प्लास्टिक एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करती है। समझो कि आपने पानी की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा, आप 2 महीने 1 साल तक रखोगे तो वो बॉटल भी वैसी की वैसी होगी और पानी को भी कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन सेम चीज़ आपने मेटल की बोतल में रखी, फॉर एग्जांपल आयन, आयन की बोतल में रखी, तो आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर 1 or 2 months, द कलर ऑफ वाटर विल चेंज टू ब्राउनिश ऑरेंज कलर, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट? हैंस दे डू नॉट करोड। प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर लॉन्ग। प्लास्टिक हमने समझो ऐसे ही छोड़ दिया तो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। दिस शोज दैट इट डज नॉट रिएक्ट विद नेचर। दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी केमिकल एंड सब्सटेंस, एग्जाम्पल पॉलीथिन। समझो कि हमने एसिड लिया और प्लास्टिक की बोतल में हमने एसिड डाला, तो वो एसिड वो बोतल में वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ भी उसे नहीं होगा। थोड़े लंबे समय के बाद शायद वो प्लास्टिक स्टिफ होके टूट सकता है, लेकिन एसिड के साथ कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। नाउ द बेस्ट एग्जांपल इज पॉलीथिन। आजकल हमने देखा है सब चीज़ हमें प्लास्टिक बैग्स में मिल रही है, इवन फूड ग्रेन्स के लिए भी ये ऑप्शन आ गया है, राइट? सो वी कैन सी दैट नथिंग इज गेटिंग रिएक्टेड विद प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 6, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ द ब्रश मेड ऑफ द सेम मटीरियल? नो, हैंडल एंड टूथब्रश ब्रिसल शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटीरियल। क्यों ये सेम मटीरियल से नहीं बना सकते हैं? रीजन, हैंडल नीड्स टू बी हार्ड, यानी जो ब्रश का जो हैंडल होता है वो हार्ड होता है और उसे स्ट्रांग रखना पड़ता है क्योंकि उसे हम होल्ड करके ब्रश करते हैं। सो इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, राइट? टूथब्रश ब्रिसल्स नीड टू बी सॉफ्ट एंड डेलिकेट, क्योंकि हमारे टीथ जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उसे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हम सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज़ करते हैं और वो डेलिकेट होने चाहिए। सो इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मो प्लास्टिक, राइट चिल्ड्रन? सो इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मो प्लास्टिक। सो हमने देखा कि जो टूथब्रश होता है उसके अंदर भी 2 टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, वन इज़ थर्मोसेटिंग एंड नेक्स्ट इज़ थर्मो प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग हैंडल के लिए यूज़ किया जाता है और थर्मो प्लास्टिक ब्रिसल्स और टूथब्रश के ब्रिसल्स सॉफ्ट और डेलिकेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट चिल्ड्रन? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। We will continue with question and answer in next session.